कौन कौन से इसके अंदर हैं बर्ड्स और स्प्रिट के भी मिल जाते हैं। बस ये कम अज कम भी 20, इसमें जो फीमेल है ये इसमें फिशरी है, पार्बो यूविंग ओपन है और इसमें ग्रीन ओपन है। तो ये मैं कलोनी, ये रोजी खोलाना भी पड़ा हुआ है किस तरीके से। जो दरवाज़ा है वो बाहर की साइड पे खुलता है मुँह। तो ये मैं कलोनी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जौरी से और आप देख रहे हैं बर्ड्स इन एक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज आए हैं हम फैसलाबाद में शकील भाई के घर पे मौजूद हैं। तो माशाल्लाह बड़ा यहाँ पर ओपन एवरियों के हिसाब से वो लगा हुआ है सारा माल ना, तो कलोनी वाइज लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जौहर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा शकील भाई, ये बताइएगा सबसे पहले कौन सी जगह है? तो माशाल्लाह कभी में आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तो तकरीबन 5 साल हो गए। और आपने लव बर्ड में कैसी इनकम स्पॉट देखी हुई है आपने? माशाल्लाह मैंने पहले ब्लू मास, ब्लैक मास, कॉमन अल्बिनो और अल्बिनो वगैरह रखे हुए थे। इस साल माशाल्लाह ये सारी मैंने लोकेशन लगाई है यहाँ पे। ठीक, तो माशाल्लाह ये आपके सामने माशाल्लाह सेल हो गए हैं सारे। ये कलोनी टाइप की आपने एवरियाँ बनाई हुई है, माशाल्लाह कैसी ब्रीड आपने ली जी? माशाल्लाह के शुक्र से मैंने शुरू से ही मैं इनको रखा ही कलोनी में था। जब मैंने बच्चे खरीदे हैं ना तो इनको मैंने कलोनी में भी रखा है और इसी तरह इनके साथ इसी तरह भेंट करवा रहा हूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है इतनी ब्रीड आ रही। तो आप क्या बोलते हैं कि कलोनी में अच्छी ब्रीड आती है या वन बाई वन पे? नहीं, वैसे वन बाई वन में अच्छी ब्रीड आती है। कलोनी की नस्बत ना कलोनी में आती है, कम आती है, उसमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। लेकिन वन बाई वन लगाए तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड देते हैं। तो अभी आपने कौन कौन से बर्ड्स लगाए हैं? मेरे पास इसका माशाल्लाह ग्रीन ओपन के रेखा में 13 सालों तक मौजूद है। ठीक, बाकी फिशर वगैरह, ब्लू पसमाता वगैरह, ये सारी वरायटी अल्बाइनो तक आपके पास? हाँ जी माशाल्लाह, यानी ग्रीन फिशर से लेकर के 13 सालों तक माशाल्लाह इसका मेरे पास है। ठीक, तो मैं ये बता अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहता हूँ, आपका शेयर जरूर। हाँ जी, नहीं माशाल्लाह आप बनाए वीडियो सारी। भाई ये कौन कौन से इसके अंदर हैं बर्ड्स? ये जी मेरे पास माशाल्लाह सेकंड क्लास के बच्चे हैं। इसमें पारब्लू है, फिशरी आई हुई है, वायलेट फिशरी है, ग्रीन यूविंग में है ओपलाइन में। तो ये माशाल्लाह इन्हीं के बच्चे हैं सारे, ये सारे म्यूटेशन के ही बच्चे हैं। सही आपने जी। शकील भाई ये अल्बाइनो के बारे में बताइएगा जी। ये मेरे पास अल्बाइनो के जो मैंने पेयरिंग की हुई है, ये अल्बाइनो रेड आइज के साथ ब्लैक आइज लगाया हुआ है ताकि स्प्रिट के बच्चे निकलें और उससे मुझे विजुअल भी मिल जाते हैं और स्प्रिट के भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ये सारे मैंने अल्बाइनो जो है इस केज में सारा अल्बाइनो ही लगा हुआ है। हाँ जी, ये सारा केज में अल्बाइनो है। तो अल्बाइनो की कैसी प्रोडक्शन आ रही है आपके पास? माशाल्लाह शुक्र अल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे दे रहे हैं माशाल्लाह पाल रहे हैं जी। शकील भाई इस कलोनी में कितने पेयर हैं आपके पास? ये कम अज़ कम भी 20 पेयर लगे हुए हैं मेरे इसके पे। इसमें मैंने फिशर और ब्लैक मास जो है वो मिक्स ही लगाए हुए सारे जुड़े इनके। ठीक, तो अच्छी ब्रीड आ रही है आपके पास कलोनी के अंदर? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन ब्रीड दे रहे हैं। शकील भाई ये कौन सा? ये जी मेरा है बहुत प्यारा जोड़ा है मेरा। इसमें जो फीमेल है ये पारब्लू यूविंग ओपलाइन की फीमेल है और इसके साथ मैंने वायलेट फिशरी का मेल लगाया हुआ है। तो इससे बच्चे आपके पास कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं? बच्चे वो उधर कलोनी में पड़े हुए हैं, वो मैं आपको चेक कराता हूँ अभी। ठीक है जी शकील भाई। ये जी मेरा वायलेट टेल फैलो में फीमेल है मेरे पास और इसके साथ मैंने ब्लू ओपलाइन का मेल लगाया हुआ है। ये ब्लू ओपलाइन का मेल है जी और वायलेट टेल फैलो की फीमेल है। ठीक माशाल्लाह। इसकी क्या आई हुई है, कुछ लिंक वगैरह आई हुई है? जी इनके पहला क्लच आया हुआ है और ये अभी अंडा भी माशाल्लाह उन्होंने दे दिया दोबारा। ठीक, ये देखें अभी एक अंडा दिया हुआ है इन्होंने, तो अभी बाकी अंडे भी ये दे देंगे। ठीक जी शकील भाई, ये कौन कौन से बर्ड्स आए हुए आपके पास? म्यूटेशन के इस साल जो फर्स्ट क्लच आया है ये उसके सारे पीस पड़े हुए हैं, कुछ इनमें से सेल हो चुके हैं। ये इसमें फिशरी है, पारब्लू फिशरी है, ग्रीन ओपलाइन है, स्प्रिट ब्लू है, ग्रीन यूविंग ओपलाइन, स्प्रिट ब्लू है। इसमें पारब्लू यूविंग ओपलाइन के पीस है और ये पेल फैलो का बच्चा बैठा हुआ है, ब्लू ओपलाइन के हैं, ये पेल फैलो स्प्रिट के हैं मेरे बच्चे, पेल फैलो स्प्रिट के। हाँ जी, 3 पीस इसमें स्प्रिट के हैं, 2 फीमेल हैं और 1 मेल है। सही, तो ये इस ईयर की आपके पास आई हुई है सारी? हाँ जी, ये सारे फर्स्ट क्लास की है मेरी ब्रीड जितनी भी है। ठीक, अभी ये कितने महीने के तकरीबन हो गए? ये तकरीबन 4 महीने से ऊपर के हो चुके हैं। ठीक है, और विद डीएनए समेत है? हाँ जी, ये सारे डीएनए के समेत हैं।
शकील भाई, ये आपने कॉकटेल भी लगाए हैं कलोनी के अंदर? जी भाई, ये मैंने शुरू से ही माशाल्लाह कलोनी के अंदर ही लगाए हैं कॉकटेल, और बहुत अच्छी ब्रीड माशाल्लाह इन्होंने मेरी की है कलोनी के अंदर। ये देखें माशाल्लाह, ये अभी इस क्लास के बच्चे आए हैं, कुछ सेल भी हो गए हैं और बाकी बड़े पेयर हैं, और ये सारी कलोनी इनो कॉकटेल की लगाई हुई है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें कुछ वी पाइट के भी पीस हैं, कुछ चेरी के पीस भी हैं। तो ये कितनी देर से आप ब्रीड करा रहे हैं इस कलोनी के अंदर? ये इनको माशाल्लाह तीसरा साल हो गया है इनको। इधर शकील भाई, कौन सी कलोनी बनाई हुई आपने? ये सारी कलोनी है मेरी ब्लू मास्क और वायलेट, और इसमें ग्रीन येलो चस्के भी पीस भी छोड़े हुए हैं, ये उनकी कलोनी लगी हुई है सारी ब्लू मास्क की और वायलेट की। इसमें कुछ येलो चेस्ट भी हैं? हाँ जी, इनमें काफ़ी चीज़ येलो चस्के भी हैं। ठीक, और लटीनो पसनाटा भी लगा हुआ है? हाँ जी, वो भी थोड़े से एक दो चार पीस छोड़े हैं कलोनी में। दोस्तों, मैं कलोनी के अंदर ही आ गया हूँ आपको बर्ड्स दिखाने के लिए, कि आपको अच्छे तरीके से मैं बर्ड्स दिखा सकूँ सारे। तो ये मैं कलोनी के अंदर आ गया हूँ इनके अंदर, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इनका दाना शाना भी पड़ा हुआ है, किस तरीके से इन्होंने कलोनी के अंदर सारे इन्होंने ये बॉक्स वगैरह लगाए हुए। ठीक है, और इनका जो दरवाज़ा है वो बाहर की साइड पर खुलता है, मुँह अंदर की साइड पर इन दरवाज़ों के। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बच्चे भी आए हुए और अंडे भी हैं। ये रोज़ी खोली लोटिनो है माशाल्लाह, इसमें भी इसके बच्चे वगैरह आए हुए हैं। ये येलो चेस्ट है, ये अंडे दे के बैठी हुई है फीमेल। इसके बाद इस बॉक्स में देखते हैं क्या है। ये बॉक्स तकरीबन खाली पड़ा हुआ है। इस बॉक्स में देखते हैं, इस बॉक्स में क्या है। तो ये भी बॉक्स तकरीबन खाली पड़ा हुआ है। इस बॉक्स में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ये पट्टे वगैरह दिखाने की, कि किस बॉक्स में क्या ऐसी प्रोग्रेस आई हुई है। माशाल्लाह, इसमें भी अंडे दे के बैठी हुई है येलो चेस्ट की फीमेल पे। चंद्रे की आँख में नज़र नहीं आ रहा, और इसके अंदर भी है बर्ड्स, ये देख सकते हैं। इसके भी बच्चे आए हुए माशाल्लाह, अच्छा अंडे आए हुए माशाल्लाह। ये देख सकते हैं कि दोस्तों, ये किस तरीके की कलोनी माशाल्लाह बनाई हुई है, और बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। बर्ड्स इस कलोनी में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही खुश हैं और ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह। बाकी ये इनकी सीड वगैरह पड़ी हुई है, शकील भाई ये सारी सीड वगैरह देते हैं इनको माशाल्लाह, ये सारा पड़ा हुआ। तो दोस्तों माशाल्लाह, रावलपिंडी से आए हुए हैं यासिर भाई, शकील भाई के पास बर्ड्स लेने के लिए आए थे फैसलाबाद में। ठीक है, तो मैं भी साथ में आया हुआ था, तो वीडियो वगैरह भी मैंने बनाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी, और चीज़ें भी यासिर भाई ने परचेज़ की हैं इनसे। तो शकील भाई बताइएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपसे परचेज़ की हैं? ये ब्लू मास्क, ब्लैक मास्क, कामन लटीनो, ये इन्होंने लिए हैं कलोनी लगाने के लिए। मेरे पास 30 पीस लिए हैं कमर का, ये 30 पीस है, और ये मैं दे रहा हूँ इनको पार ब्लू ओपलाइन और पार ब्लू यूविंग ओपलाइन, और इसमें ग्रीन ओपलाइन, ग्रीन यूविंग ओपलाइन, स्प्लिट ब्लू, चार पीस ये इन्होंने लिए हैं। ठीक माशाल्लाह। तो यासिर भाई, आपको बर्ड्स कैसे लगे? बस जी माशाल्लाह, मुझे तसल्ली है कि इनका मैंने फैट देखा है, वो टोटली मेंटेन है, अच्छी किस्म की ये खुराक डाल रहे हैं, और नेचुरल यानी कि तरीके से उन्होंने ब्रीड ली। अभी तक मैंने इनके शेड में किसी किस्म का कोई भी किस्म का फार्मूला वगैरह नहीं देखा, और इस चीज़ से मैं सेटिस्फाई हूँ कि इनकी होम ब्रीड है। तो जितने भी न्यू सेल्फियर हैं, मैं उनको यही पोस्ट करूँगा कि आप जो भी पट्टा लेना चाहें किसी अच्छे ब्रीडर से, और उसकी होम ब्रीड परचेज करें। अच्छा यासिर भाई, जैसे आपने परिंदा निकाला है भाई ने वैसे ही आपको दिया, जिस परिंदे पे आपने हाथ रखा है? ये जैसे हम फैसलाबाद आए, आज 28 फरवरी है, और 6 बजे हम पिंडी से रवाना हो गए थे, 1 बजे हम फैसलाबाद पहुँचे हैं। ये इन्होंने इनकी यानी कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी रहम मिली है कि रात की अभी 2 बजे का टाइम है, और माशाल्लाह ये ऑफिस गोइंग है, तो उन्होंने हमारे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और इनके रेट भी काफ़ी मुनासिब हैं औरों की नस्बत है, और क्वालिटी बढ़ रहे हैं इनका। तो बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने टाइम दिया। आपको भी बरकत दे और आपका शेड बढ़ाए।